गुड मॉर्निंग गाइस, रूरल एंड सिटी वाइंस में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैंने लेके आया हूँ नया एक फैक्ट। चलिए देखते हैं, जो लोग बिल्लियों को पसंद करते हैं हमारा चैनल इसके लिए है। और भी कुछ मिलता है हमारे चैनल में, हमेशा मिलते रहेंगे। तो आप लोग हमेशा ख्याल करेंगे, जो लोग बिल्लियों को पालते हैं या जो लोग बिल्ली को नहीं भी पालते, वो देखा है कभी कभी बिल्ली बाहर जाके घासों में खेलती है और कभी कभी घास खा भी लेते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? वो तो भेड़ बाकी नहीं है, वो तो मांसाहारी है, वो घास नहीं खाते और उसका इम्यून सिस्टम ऐसा तैयार भी नहीं है कि वो घास खा के हजम कर सके। तो ये लोग घास क्यों खाते हैं? आपका दिल में एक सवाल पैदा होता है ना। तो घास खाने का पीछे इसका बहुत बड़ा रीज़न है, कुदरती करिश्मा है कि जब हम लोगों का एसिड होता है, हमारे पास दिमाग होता है, हमने तो एंटासिड बना दिया, रेंटेक बना दिया, जिनटेक बना दिया, डाइजिंग और एट्सेट्रा बहुत सारे बना दिए, पर इतना तो बुद्धि है नहीं जो इतने अच्छे अच्छे मेडिसिन तैयार करे। तो कुदरती दिमाग से लोग घास खा लेते हैं। तो देखिए, ये जो घास रहते हैं ना, इसको सामा घास कहता है, ठीक है, हमारे यहाँ पर। और आप लोगों को वहाँ पर क्या कहता है मुझे पता नहीं, पर बिल्ली ये घास बहुत पसंद करता है आपका एंटासिड की तरह। तो जब ये एंटासिड की तरह खा लेता है, देखिए कैसे खा रहे हैं, देखिए वो चुन चुन के खा रहे हैं, सिर्फ अगले हिस्सा खा रहे हैं क्योंकि वो अगले हिस्सा बहुत सारा काम में लगता है। जब एंटासिड के कारण नहीं, इसका जो भेषज तत्व होता है बिल्ली के अंदर, और जो भेषज तत्व का प्रयोजन है उसका आधार इसको निभाता है। और उसने ज़्यादा खा भी लिया तो इसका जो अगले हिस्सा है उसमें उसका गले में गुदगुदी करता है, तो इससे जो एक्सेसिव खाना होता है वो बाहर निकल जाता है। तो अगर बिल्ली को घास खाने देखे तो उसको भेड़ बकरी मत समझे, वो भी मांसाहारी है, एक मांसाहारी प्राणी की तरह। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक कीजिए।